हेलो नमस्कार, मैं सचिन आपके साथ प्रश्न दिया हुआ है कि यदि 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति आवर है, एक सिंगल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सॉल्व लिखेंगे अपन, तो क्या समय बताना अपन को, तो क्या क्या दिया अपन को, रेल की लंबाई 200 मीटर और चाल कितनी दी हुई है, चाल है 6 किलोमीटर प्रति आवर। इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 7 × 5/18, ठीक है। इसको अपन नहीं काटते हैं, ये सॉल्व हो जाएगा, या काट भी देते हैं तो 6 × 1 = 12, 6 × 6 = 6 और 6 × 3 = 18, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10 × 50/3। तो अब क्या चाल बराबर क्या होता है, तो समय अपन को निकालना, तो समय ही लिख लेते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल 50/3 मतलब 20, 200/50 × 3, 50 × 6 = 100 मतलब 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।